राजधानी शिमला में इन दिनों सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा एक विशेष मुहिम छेड़ी गई है। बता दें कि ट्रस्ट द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके घर द्वार पर दो वक्त का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर नितिन व्यास से जब उनकी इस मुहिम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल से उनकी संस्था द्वारा यह पुण्य कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा रोजाना करीब 150 कोरोना पीड़ितों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीजों को आवश्यकता अनुसार प्रोटीन युक्त भोजन की सप्लाई की जा रही है, जिसमें फ्रूट्स, सलाद, दाल, चपाती, सब्जी, चावल और मीठा व्यंजन भी दिया जा रहा है। डॉक्टर नितिन व्यास ने बताया कि रसोई में कार्यरत बावर्ची और सप्लाई देने वाले सभी समाज सेवी कोरोना का टेस्ट करवाने के बाद ही इस समाज सेवा में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर संपर्क करके कोविड मरीज अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। 15 दिनों से सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा जो शिमला शहर के अंदर जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो घरों में आइसोलेटेड हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, भोजन बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा निशुल्क भोजन सेवा शिमला शहर के अंदर पिछले 15-16 दिनों से शुरू की गई है, जिसके तहत हम जो भी कोविड पेशेंट्स अपने घरों में आइसोलेट हैं उनको प्रोटीन डाइट जो है सुबह और शाम दो वक्त जो है उनके घरों तक पहुँचाते हैं। वहीं संस्था के अन्य कार्यकर्ता का कहना है कि उनकी संस्था निरंतर समाज सेवा के कार्य में आगे रहती है और इसी तरह कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों के चलते उनकी संस्था कोविड मरीजों को निशुल्क खाना उपलब्ध करवा रही है। ये 28 अप्रैल से शुरू की गई है और इसमें जो कोविड पेशेंट है शिमला शहर में जो घर में आइसोलेट है उनके घरों तक जो है खाना पहुँचाया जा रहा है पूरे शिमला शहर में।